लगभग 80 से ज़्यादा मुद्दे जो हैं, विभिन्न मुद्दे इस कैबिनेट की बैठक में आए और लगभग सभी विभागों के जो महत्वपूर्ण विषय थे उस पर चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत उसमें फैसले जनहित में लिए गए। जैसे अतीत में होता है, सर्वप्रथम जनमंच जो एक हिमाचल प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है उसके बारे में बहुत विस्तार से समीक्षा की गई और उसमें और क्या नई बातों को जोड़ा जा सकता है, विस्तार पूर्वक चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में की गई। पर कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला वो यही है कि इस जनमंच के माध्यम से आम आदमी, आम जन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उनकी समस्याओं का हल हो रहा है, निराकरण हो रहा है। दूसरा, कैबिनेट की बैठक में आने वाले बजट सेशन के बारे में भी चर्चा हुई और ये बजट सेशन 4 तारीख से शुरू होगा, 4 फरवरी और 27 तारीख तक ये बजट सेशन चलने वाला है। बीच में 4 दिन की अवकाश होगा और 4 तारीख को महामहिम गवर्नर साहब विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये विषय बहुत विस्तार से यहाँ पर आया है और 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो हमारी एक प्रक्रिया की हर महीने के पहले एतवार को मंत्री जाएंगे तो उसकी मंत्रियों का स्थान किस विधानसभा और किस जिला में जाना है वो भी यहाँ पर निर्धारित हुआ है। और जहाँ तक जो अलग अलग बोर्ड बने हैं उन बोर्डों में एक गुड़िया बोर्ड भी बना है जिसकी अध्यक्षा श्रीमती रूपा शर्मा जी हैं। और ये बोर्ड इसलिए बनाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में घटनाएं घटी हैं उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, उसके पदों को सृजित करने के लिए भी यहाँ पर आज बड़े विस्तार से चर्चा हुई। आयुर्वेदिक विभाग, आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में भी, वहाँ पर जो हमारे लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर्स हैं इत्यादि इत्यादि पदों पर जो एनोमली थी उनकी पे स्केल को लेकर के उस एनोमली को भी इस बार यहाँ पर दूर किया गया। और मैं अगर कहूँ तो आयुर्वेद विभाग में लगभग 30 पद लिपिकों के भरे जाएंगे और कुछ एक स्थानों पर जो पुरानी जर्जर हालत में गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को बदलने का भी इस कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है। हमारी 198 ये हेल्थ एम्बुलेंसेज हैं उनको बदलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आज 46 गाड़ियों को खरीदने की अनुमति भी कैबिनेट ने दे दी है और हम चाहेंगे कि 46 गाड़ियां आने के बाद जितना भी हमारे पास 198 गाड़ियों का फ्लीट है उनको हम बदल देंगे। कैबिनेट की बैठक ने आज यहाँ भी ये फैसला किया।